मात्रम आप सभी को आज के टॉपिक में हम मिश्रित भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं उस पर आज चर्चा करें। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब इसको हम कैसे जोड़ते हैं ये देखिए। एक तरीका ये है कि जो मिश्रित भिन्न है इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल लीजिए, समतुल्य भिन्न में बदल के कर लीजिए। जैसे इसको समतुल्य भिन्न में बदलते हैं, जब इसे कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, तब इसको हम कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। 7 × 2 14 + 5/7। यहाँ पे 7 × 4 मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, 28 + 3/7। ठीक है जी, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 19/7 + 28 + 3 को इसको करेंगे तो आएगा 31/7। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम 7 ही होगा, दिख रहा है ठीक है। और ये एज इट इज उतर जाएंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 314 और एक आंसर कैरी हो जाएगा 50/7। चलिए ये तो था एक बेसिक मैटर जिससे हम लोग आसानी से कर लिए। अब हम कुछ और क्या हो सकता है जिससे बहुत आसानी से अपना समय को बचा सकते हैं, उस पे ही आज ध्यान, उसी पे आज का विषय है। चलिए क्वेश्चन दिया है 2 and 5/7 + 4 and 3/7 को ऐड करना है ठीक है। ये इक्विवेलेंट, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं बदलेंगे। 2/5 7, 2 × 5/7 + 4 × 3/7 को हम एक अलग तरीके से जोड़ेंगे, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये दिया 2 and 5/7, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 + 5/7। क्या आप लोग इसको लिख सकते हैं? नहीं, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं ठीक है जी। चलिए अगर आप, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट सेम है, रीजन आपके सामने है, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 19/7 आएगा, यहाँ पे इसको हल करें तो 19/7 आएगा, यहाँ देख ही रहा है। इसको भी करके देख लीजिए, अब इसको भी करेंगे तो क्या होगा देखिए, इसको कर लेते हैं तो यहाँ पे एक एलसीएम 7 आएगा, 7 × 2 का मल्टीप्लाई करें 14 + 5, यहाँ पे 19/7 आएगा। इसलिए बिना झिझक के आप 2 and 5/7 को 2 + 5/7 लिख सकते हैं ठीक है जी। चलिए अगर आप चीज़ को इतना लिख सकते हैं तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, अब हम इसको लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 + 5/7 + 4 + 3/7। अब 2 and 4 को एक साथ ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लिया, जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है उसको एक साथ ले लेंगे, 5/7 + 3/7, 2 + 4 = 6 आता है, और यहाँ पे करेंगे तो ये 7 आएगा, यहाँ पे 5 + 3 बचेगा। फिर इसको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे तो ये बचेगा क्या आएगा, 6 + 8/7 आएगा। फिर अगेन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 42 + 8, ये आ जाएगा 50/7। क्या यह रिजल्ट और ये समान नहीं है? बिल्कुल एक ही वैल्यू है। ऐसे करेंगे तो आपको सहजता होगी, आप बड़े कैलकुलेशन, बड़े एक्सप्रेशन जो आएंगे उसको बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे हम इस पर ही कॉन्सनट्रेट करेंगे। आपके सामने एक नया क्वेश्चन दिया है, अब इसको हम स्टैंडर्ड टेक्निक से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसको हम बड़ी आसानी से 5 + 2/7 + 3 + 4/7 + 7 + 7/5 लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही जो हम करते आ रहे हैं, जो सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर है उसको हम एक साथ ले लेंगे, बोर्ड मास रूल पढ़े ही हम लोग, सहजता के लिए हम लोग ऐसे 5, 3 और 7 को एक साथ ले लेंगे ठीक है। इसका फ़ायदा आपको दिखेगा क्योंकि अब इसके, इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बदलेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, फिर इसको फ्रैक्शन बड़ा सा एक भिन्न आएगा, उस भिन्न को आप एलसीएम लेके सॉर्ट आउट करेंगे, इसलिए उसमें कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेंगे। अभी ये 2/7 है + 4/7 है + 7/5 है,
अब इसमें करेंगे 5 + 3 + 8, ये जाएगा 8 + 7 = 15। चलिए अब यहाँ कैल्शियम ले लेंगे, 7 और 5 का कैल्शियम 35 होता ही है। अब ये 5 × 2 = 10 आ जाएगा, ये 5 × 4 = 20 आ जाएगा, 5 × 7 = 49। चलिए फाइनली क्या आएगा, 15 + इसको जोड़ लेते हैं 9, ये 79/35। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ से हम इसको फर्दर एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे, माफ़ कीजिएगा। चलिए अब क्या करेंगे, 15 + 79/35 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका एलसीएम बढ़िया साइन से 35 आएगा। यहाँ से 15 × 35 को मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको एक के द्वारा आपने कंसीडर करके 1 / 35 को भाग करेंगे तो 35 में ऊपर वाले अंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए और यहाँ 79 रहेगा ही, अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7, अब ये आ गया 52 + 79। अब बस इसको ऐड करना है, ऐड कर लेंगे 95 आएगा। फाइनली हमारा रिजल्ट ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए अब नया क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में एक जगह माइनस है, अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, 5 + 2/7 + 3 + 4/7। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अन्यथा यहाँ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ बोर्ड मास के थ्रू इसे ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, काम हो जाएगा। 7 + 7/5, क्योंकि ये जो माइनस है ये अंदर भी इसका होगा, अंदर इसका इन्फ्लुएंस आएगा माइनस का, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ये चीज़, इसका इन्फ्लुएंस को हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, अच्छे से देखेंगे आप। चलिए 5 + 2/7 + 3 + 4/7 - 7 - 7/5। चलिए अब देखिए ये नेचुरल नंबर को एक साथ ले लेंगे, प्राकृतिक संख्या है जो इसको एक साथ ले लेंगे माइनस सिंबल के साथ, आसानी रहेगी। 5 + 3 - 7 एक साथ हो गया, जो रिमेनिंग बचा फ्रैक्शन उसको एक साथ रख लेंगे, क्या क्या है, प्लस है 2/7 + 4/7 - 7/5 है, इसको हिसाब लगाते हैं, ये 1 बचेगा, ये प्लस रहेगा, इसका अगेन एलसीएम 35 होगा, कर लेते हैं 5 × 5 = 10 आएगा, 5 × 4 = 20 आएगा, यहाँ पे 49 आएगा। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ 1 + यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 + 10 इसको एक साथ रख लेते हैं, ये आएगा 30 - 49/35। चलिए इसको कर लेते हैं, ये आएगा, अब ये ज़्यादा है तो ये -90, क्योंकि माइनस यहाँ पे ज़्यादा में है, इसलिए -19 बचेगा / 35। चलिए फिर अगेन इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम दिख रहा 35 है, यहाँ पे 35 हो जाएगा एलसीएम लेने में। ये चीज़ें आप सीख चुके हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको भी एक वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए। चलिए अब यहाँ पे माइनस रहेगा, +(-) मल्टीप्लाई हुआ था माइनस होगा, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिख ही रहा है, माइनस आ जाएगा, और ये 19 है, ठीक है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आगे, 15 / 16 / 35 इसका रिजल्ट होगा, आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।